नमस्कार दोस्तों, बिल्डिंग टेक हेल्पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं आज आप लोग को पीयू पॉलिश के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। मैं आज आप लोग के लिए जो वीडियो लाया हूँ, ये मेनली मेरा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो जो जो करवाना चाहता है, यानी कि कस्टमर और जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कोई कारीगर के लिए वीडियो नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर जो है, उसको अगर पीयू पॉलिश के बारे में डिटेल्स में पता होगा तो कंज्यूमर को बहुत अच्छी तरह समझा पाएंगे, ताकि उसका कॉन्ट्रैक्ट दे। क्यों आप लोग इतना ज़्यादा प्राइस पे करते हैं, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग के लिए वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और जो लोग करवाने के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग का अभी भी कन्फ्यूज़न है कि मेलामाइन पॉलिश करे या पीयू पॉलिश करे, तो उन लोगों के लिए वीडियो डिटेल्स में है। इसका बाद में अगला मैं जो पार्ट लाऊंगा, वहाँ पर मैं मेलामाइन पॉलिश के बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा, उसका जो ड्रॉबैक्स है, उसका जो एडवांटेज है, सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, आज मैं यहाँ पर टोटली वीडियो जो बनाने वाला हूँ पीयू पॉलिश के बारे में। तो सबसे पीयू पॉलिश होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पीयू पॉलिश एक तरह का लेमिनेशन है, जो आप जिस सर्फेस में भी करते हैं वहाँ पर एक लेमिनेशन की तरह हो जाता है, ताकि उसका अंदर और बाहर का जो कंटक है वो टोटली डिस्कनेक्ट हो जाए, ताकि बाहर का जो मॉइस्चर या कुछ भी हो वो अंदर इम्पैक्ट ना करे, और बाहर हम अंदर का भी कुछ भी मटेरियल हो वो बाहर इम्पैक्ट ना डाले। यही होता है लेमिनेशन, पीयू पॉलिश वही करता है, ठीक है? पीयू पॉलिश का फुल फॉर्म जान लेते हैं। पीयू पॉलिश यानी कि पॉलीइथीरिन पॉलीमर, ठीक है? एक तरह का पॉलीमर होता है जिसे हम लोग सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, ये सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है? अब इसका कुछ फीचर के बारे में बात करते हैं। पीयू पॉलिश जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है, इसलिए अगर कोई भी आप अगर मान लीजिए आप टीक वुड यूज़ कर रही हैं, कोई भी महंगा लकड़ी जो यूज़ कर रहे हैं उसका अगर पीयू करेंगे तो क्या होगा, उसका ऊपर जो लेयर है वो टोटली ट्रांसपेरेंट रहेगा, अंदर जो भी है पूरा डिटेल्स के साथ दिखेगा, ठीक है? ये होता है इसका एक फीचर। दूसरा बात है, मैं पहले ही बताया हूँ, एक सिंथेसाइज पॉलीमर है जो यहाँ पर नोट किया हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज़ नहीं होता इसमें, ठीक है? जो मालामाइन है उसमें टॉक्सिक मटेरियल यूज होता है, जो हम कंपाउंड करके जो उसको हम लोग यूज करते हैं उसके बाद जो है उसमें आपका उसका वादा टॉक्सिक नहीं रहता, उसका पहले वो टॉक्सिक रहता है, आप कहीं पर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है? तीसरी चौथा बात है, ये लॉन्ग लाइफ है, यानी कि आप अगर आज मान लीजिए पीयू लगा लिया तो कम से कम 10 साल से 15 साल हो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है? अगर आप ढंग का कोई मिस्त्री से करवाए तो। उसका बाद है, पहले बताया नो टॉक्सिक होने की वजह से सेफ्टी है, ठीक है? ये इसका कुछ फीचर के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं, ये हम लोग क्यों लगाए, किस में लगाए। सबसे पहले एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। पीयू जो है आप वुड में को लगवा सकते हैं, मेटल जो होता है यानी अल्मोनियम हो कुछ भी हो, वहाँ पर आप पीयू पॉलिश करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें भी वो लॉन्ग लास्टिंग है। तीसरा है, कोई ग्लास सरफेस हो, कुछ भी सरफेस हो, जैसा फ्लोर मान लिया, फ्लोर में भी आप पीयू पॉलिश करवा सकते हैं, उसका प्रोसेस अलग है बट करवा सकते हैं, उसमें वो सेम तरह का ये देगा, ठीक है? अब जान लेती है एक कितना टाइप का होता है, इसका पॉइंट मैं बाद में आता हूँ। इसका सबसे पहले एडवांटेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इसका जो एडवांटेज है, जैसे कि मैं लिखा हूँ यहाँ पर, कोरोजन फ्री है। कोरोजन फ्री यानी कि आपको पहले ही बताया हूँ कि ये लैमिनेटेड प्रोडक्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर कोई भी वेदर का इफेक्ट, जैसे मॉइस्चर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मॉइस्चर। उसके बाद यूवी, जो सन का जो यूवी लाइट है उससे क्या होता है, मेलामाइन पॉलिश अगर आप करवे होंगे तो आप लोग को पता है वो एक्सपोज होने के बाद धीरे 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 टर्न तो येलो हो जाता है, थोड़ा सा इवलिश दिखता है, ठीक है? पीयू के साथ ये दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? तीसरा बात है, कोई हीट एंड हीट रेजिस्टेंस होता है। हीट रेजिस्टेंस यानी कि किसी टेम्परेचर वगैरह ये कुछ भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि हार्ड सरफेस बनाता है। मान लीजिए कोई वुड में अगर क्रैक पहले से है, वो क्रैक को वहीं पर वो फिक्स कर देगा, ठीक है, टोटली फिक्स कर देगा, उसके बाद वहाँ से क्रैक बढ़ेगा नहीं। जैसे अगर आप मान लीजिए कि नॉर्मल जो साल का जो पेड़ होता है वो धीरे 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 वो फटता रहता है, उसमें अगर आप एक इसका कोटिंग करेंगे तो क्रैक होना धीरे बहुत कम हो जाएगा, फिर भी होगा मगर धीरे धीरे होगा, ठीक है? उसके बाद इसको लगाने के बाद एक जो है स्क्रैच रेजिस्टेंस है, यानी कि इसका हार्ड स्ट्रांग स्ट्रांग मटेरियल होने की वजह से इसका ऊपर अगर स्क्रैच करेंगे बहुत इजीली स्क्रैच नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आना ही है। उसके बाद इसको अगर लगाने के बाद, मैं पहले ही बोला हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इसके लिए उसका जो निखार है बहुत ज़्यादा
ब्यूटीफुल लगता है, कोई भी फर्नीचर आप यूज़ कर सकते हैं उसमें ब्यूटीफुल लुक लाएगा। आपका जो ग्लॉसीनेस का जो लेवल होता है इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ठीक है, और पहले बताए आपको लॉन्ग लाइफ है, कम से कम 10 से 15 साल का ढंग का मिस्त्री से प्रॉपर वैसे आप लगाएंगे तो ये 10 से 15 साल तक जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका एडवांटेज। ठीक, अगला बात करते हैं, इसका कौन के बारे में मैं बाद में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ वेरिएंट आता है। ठीक है, मैट फिनिश में आता है, अगर किसी को मैट फिनिश चाहिए, मैट फिनिश क्या होता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैट फिनिश यानी कि ये थोड़ा बहुत स्केचेस टाइप का होता है, यानी कि इसमें अगर लाइट आपका गिरेंगे ना और रिफ्लेक्शन नहीं करेगा, ये जो है टोटल वो जो मतलब जिसके ऊपर गिरेंगे वो आपका टोटल सरफेस है बहुत खूबसूरत दिखता है। ठीक है, उसमें से लाइट रिफ्लेक्शन नहीं आता, यानी कि इसमें मिरर टाइप का फिनिश नहीं आता है, यानी कि जो सोर्स से आपका लाइट आ रहा है उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको नहीं दिखेगा, बट ये बहुत शानदार दिखता है। बहुत सारा कस्टमर का इस टाइप का मैट फिनिश ही पसंद होता है। ठीक है, दूसरा बात है स्टेन टाइप का एक होता है वेरियंट, और जो होता है ग्लॉसी, ग्लॉसी यानी कि जिसमें ग्लेज आएगा। मान लीजिए एशियन पेंट्स का एक आपका पीयू है जो इटली से मंगाया जाता है लग्जरियस टाइप का, उसमें 70-80% उसका रिफ्लेक्शन रेशियो है, यानी कि आपका जो भी लाइट उसमें गिरेगा उससे 70-80% रिफ्लेक्ट करेगा, इससे उसका ग्लेजीनेस जो है बहुत ज़्यादा ग्लॉस दिखता है। और आपका जो फर्नीचर है, जो मान लीजिए टेबल सरफेस हो कुछ भी हो जो सरफेस है उसका जो ग्लॉसीनेस बहुत बढ़िया दिखता है ग्लॉस में। मैट फिनिश कहाँ कहाँ पर करना चाहिए, मान लीजिए उसका आपका कोई चीज़ जिसका वर्टिकल में अलाइंड है, यानी मान लीजिए आपका कोई अलमीरा टाइप का कुछ है या तो आपका कबाड है, उसका जो डोर है यानी नॉर्मल डोर है उसमें ग्लॉसी से ज़्यादा आपका मैट फिनिश ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक वेरिएंट आता है जो हम यहाँ पर मेंशन नहीं किया, ग्लॉसी में भी 2-3 टाइप का आता है, एक सेमी ग्लॉसी आता है, यानी कि इसमें 50-50 रहेगा, 50% ग्लॉस रहेगा 50% मैट फिनिश रहेगा, ये भी बढ़िया होता है कोई भी सरफेस के लिए। बट टेबल टॉप यानी कि कोई भी टॉप जो फर्नीचर आप बनाएंगे जैसे किचन कैबिनेट हो गया, उनमें बेटर रहेगा आप ग्लॉस यूज के, इसमें साइन का नाम का भी एक प्रोडक्ट आता है। ठीक है, ये आ गया अवेलेबल वेरिएंट। अब जिसके इसका एडवांटेज है उस चीज़ का डिसएडवांटेज भी होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है पीयू पॉलिश बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, प्रीमियम क्वालिटी का चार्ज होता है, कोई भी मिस्त्री या लेबर से आप कम से कम 110 रुपये से ऊपर स्क्वायर फीट से लेके 200 से 300 रुपये तक आपका लेगा, जिस तरह का आपका उसमें मटेरियल यूज होगा उस तरह से आपको उसका कॉस्ट लगेगा। ठीक है, दूसरा टाइम है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत ज़्यादा है, यानी आप प्योर जो सीलर है या प्योर फिनिश जो है उसको अगर बोतल में जिसमें आप मान लीजिए उसमें मिक्स करेंगे वो 3 घंटा तक रहता है, ख़राब नहीं होता, यानी कि इसका ड्राइंग टाइम बहुत ज़्यादा है। और पीयू पॉलिश का ग्लेजिंगनेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसको आपको जहाँ पर इसका अप्लाई करना है वो इन्वायरमेंट डस्ट फ्री होना चाहिए, अगर डस्ट थोड़ा भी रहेगा इसका ड्राइंग होने में टाइम लगता है, तो अगर वहाँ पर थोड़ा बहुत धूल वगैरह भी आपका जमेगा तो उसका जो फिनिश है ख़राब आ जाता है। ठीक है, आपका मान लीजिए किसी भी तरह आपका कोई भी फर्नीचर हो ख़राब हो गया, मान लीजिए कहीं से टूट गया, उसका अगर रिपेयर करना है तो ये बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। क्यों? क्योंकि रिपेयर इसका जो रिमूवेबल है, ताकि आपको पहले ही बताया था ड्यूरेबल है और स्ट्रांग है, तो इसका उठाना भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन आएगा। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें, जब आप पीयू पॉलिश कहीं पर देखे होंगे या किए होंगे तो आपको पता है ये जो है जितना आपका स्प्रे होता है उससे ज़्यादा है एनवायरमेंट में रिलीज होता है। जो लोग का मान लीजिए कुछ कुछ लोगों का इसमें एलर्जी होता है, ठीक है, जिनका एलर्जी होता है उनको इसमें से दिक्कत होता है, सांसने में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ये हार्मफुल है, हानिकारक थोड़ा बहुत तो है ही, और इसका जो स्मेल है बहुत ही गंदा है। ठीक है, और इसमें आपको स्प्रे मशीन का ज़रूरत कंपलसरीली है, क्योंकि अगर आप स्प्रे मशीन यूज़ नहीं करेंगे फाइनल कोड में तो आपका जो सरफेस जो है वो इवन नहीं होगा, इससे आपका जो ग्लॉस का लेवल है वो 70-80% से घट के 50-60% में आएगा। आप जब इतना पैसा दे रहे हो तो आपका स्प्रे मशीन से करना कंपलसरी है। ठीक है, ब्रश वगैरह नहीं चलेगा क्योंकि ब्रश में इसमें दागी रहता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले मैं बताया हूँ स्किल लेबर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पीयू करवाने वाले हो तो जो कंट्रेक्टर आपका काम ले रहा है उससे पहले थोड़ा डेमो लीजिए, ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, कोटेशन लीजिए, डेमो लीजिए किस तरह से काम कर रहा है, और हो सके तो आप मटेरियल खुद खरीद के दीजिए क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है,
ये हो गया इसका कॉन्स। इसमें दो टाइप का आता है, दो टाइप का पीयू होता है, एक वाटर बेस और एक सॉल्वेंट बेस। इसमें से कौन सा बढ़िया है इसके बारे में बात करेंगे तो सॉल्वेंट बेस बढ़िया होता है, ये आउटसाइड के लिए बढ़िया होता है, और वाटर बेस जो इनसाइड के लिए बढ़िया होता है क्योंकि इनसाइड में हम लोग का धूप ज़्यादा नहीं गिरता तो एयरलेसनेस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। और वाटर बेस जो होता है उसका ट्रांसपेरेंसी लेवल आपका सॉल्वेंट बेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। सॉल्वेंट बेस में थोड़ा पीलापन रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत पीला पीला टाइप का रहेगा। मैं इससे पहले वीडियो में अपलोड किया हूँ पीयू पॉलिश की, पूरा डिटेल्स वीडियो है, आप वहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ग्लॉस उस पर लगता है, आपको मिल जाएगा। मैं आई डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। वाटर बेस जो यहाँ पर जो पीयू होता है वो जो होता है वो नॉर्मल जो मेलामाइन का जो बढ़िया वाला प्रॉलिटी आता है उसकी इक्विवेलेंट है। और वाटर बेस का एक सबसे बड़ा आसानी है कि एक लो कॉस्ट होता है, एप्लीकेशन ईजी होता है और बहुत जल्दी सूखता है। इसका जो ग्लॉस का लेवल है सॉल्वेंट से बेटर होता है, बट आउटसाइड में अगर इसको यूज़ करेंगे तो आउटसाइड में धूप की वजह से थोड़ा बहुत पीला गिर जाता है और इसका ड्यूरेबिलिटी भी कम होता है। इसलिए वाटर बेस को हमेशा इनसाइड में सजेस्ट किया जाता है। और जो सॉल्वेंट बेस है, जैसे मान लीजिए आपका मिलता है, वो आपको बाहर की तरफ आपको ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है। जो सॉल्वेंट बेस होता है आप इनसाइड में भी कर सकते हैं, बगैर वाटर बेस जो है इनसाइड में नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाता है एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करें। इसका यूज़ तो आपको पहले बता, फर्नीचर में कर सकते, डोर एंड विंडोज कर सकते, जैसा आपका बजट है। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं कि इसको उस जगह पर यूज़ कीजिए जहाँ पर आपको दिखेगा, यानी कि आप घर में जब कोई मेहमान आएंगे तो जहाँ पर आपका एक्सपोज होगा वही एरिया में आप पीयू कीजिए। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप कहीं पर भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें एप्लीकेशन आप वुड ग्लास मटेरियल कुछ भी सरफेस में कर सकते हैं, फ्लोरिंग में भी ये बढ़िया लगता है। और इनसाइड आउटसाइड हर तरह आपका एप्लीकेशन होता है। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पीयू के बारे में और डिटेल जानना है तो मैं इसका पहले वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, किस तरह का ग्लॉस आता है, मैं नेचुरल टीक वुड के ऊपर करके दिखाया हूँ, आप देख सकते हो, वीडियो आई बटन में आपको दे दूँगा, ठीक है। और इसके बाद में किस तरह सा प्रोसेस होता है उसके बारे में भी डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।